नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे देश भर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं और पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की ये आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक है। 15 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आज ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक है। प्रधानमंत्री का जो दूसरा कार्यकाल रहा है उसकी आखिरी बैठक आज ये होने जा रही है और अब से 15 दिन बाद चुनाव की तारीखों का भी अब ऐलान हो सकता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप को लेकर इस बैठक में चर्चा संभावित है। और एक और अहम खबर इस वक्त, राहुल गांधी का बिहार दौरा है आज और पटना जाने वाले हैं राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल शामिल होंगे। तो पटना में आज राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। आज राहुल पटना जा रहे हैं। पटना में राहुल इंडिया गठबंधन की बैठक में आज शामिल होने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आयुषी, राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर व्यस्त हैं तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जा रही है। आज पटना में जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल नितिशा, आज की जो महारैली है जो कि बिहार में की जाएगी, इसको लेकर भले आरजेडी ने तैयारी की है लेकिन महागठबंधन के लिए रैली बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जन विश्वास महारैली इसका नाम दिया गया है और ये देखना, जनता को विश्वास दिलाना है कि किस तरीके से जो पूरा विपक्ष है वो एक साथ एक मंच पर खड़ा है और जनता के लिए एक दूसरा विकल्प के तौर पर दिख रहा है। तो महाविश्वास जन रैली कहीं ना कहीं आज बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से राहुल गांधी जहाँ एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज इस रैली में वो पटना पहुंच रहे हैं और इस रैली का जो आयोजन है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर की है और इस रैली में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और तमाम पार्टियों के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव और सीताराम येचुरी जैसे तमाम बड़े चेहरे आज पटना की सड़कों पर दिखाई देंगे। बिल्कुल आयुषी, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में बुलाई गई थी और आज एक बार फिर पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। जब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाकर बिहार में सरकार बना चुके हैं उसके बाद ये पहली बैठक पटना में होने जा रही है इंडिया गठबंधन की और ये वही नीतीश कुमार हैं जो संयोजक हुआ करते थे इंडिया गठबंधन के। कितनी अलग हैं ये परिस्थितियाँ आज। जी बिल्कुल नितिशा, आपने सही कहा। जब इंडिया गठबंधन, जब ये अलायंस पूरा बना था तो पहली बैठक भी पटना में की गई थी और नीतीश कुमार उस समय इस अलायंस के सूत्रधार कहे जा रहे थे कि उन्होंने सारे पार्टियों को एक मंच पर लाया है। लेकिन आज जिस वक्त सबसे बड़ी महारैली अपोजिशन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से पहली रैली पटना में की जा रही है, उस वक्त खुद जो सूत्रधार कहे जा रहे थे नीतीश कुमार वो विपक्ष में जाके बैठ गए हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस रैली का आयोजन इसलिए भी किया गया है बिहार में, जो पहली रैली है, ताकि वो नीतीश कुमार को भी ये मैसेज दे सके
कि इंडिया अलायंस मतलब नीतीश कुमार नहीं है, इंडिया अलायंस मतलब वो तमाम दल है जो एक साथ एक मंच पर आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार उसका क्रेडिट जो था वो नीतीश कुमार को दिया जा रहा था, तो नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको दिया जाए, लेकिन ऐसे में अगर वो अब इंडिया अलायंस में नहीं है तो उसके बावजूद इंडिया अलायंस के अंदर जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनके जितने बड़े चेहरे हैं वो सब जब आज पटना के सड़कों पे नजर आएंगे तो एक मैसेज नीतीश कुमार के लिए भी रहेगा कि इंडिया अलायंस सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं था और तमाम नेताओं के साथ मिलकर था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आयुषी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रालोद एनडीए में शामिल हो गया है, बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच समझौता हो चुका है। अमित शाह और नड्डा से जयंत चौधरी मिलने पहुंचे, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, दिल से स्वागत है। बीजेपी और आरएलडी में सीटों को लेकर समझौता हुआ है और जो समझौता हुआ है उसके अनुसार यूपी की बिजनौर और बागपत की सीट आरएलडी को मिलेगी, तो दो सीटों को लेकर यहां समझौता हो गया है बीजेपी और आरएलडी के बीच में। वो सीटें हैं बिजनौर और बागपत की, ये दोनों ही सीटें आरएलडी को दी गई हैं। इन दोनों सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं तस्वीरें सामने आई हैं जिस वक्त आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और देश के गृहमंत्री अमित शाह से जाकर मिले, दोनों के बीच बातचीत हुई, तीनों के बीच बैठक हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, दिल से स्वागत है। तो आरएलडी का दिल से स्वागत करते नजर आई है बीजेपी। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो चुकी है, दो सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का अब आरएलडी साथ देगी। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का साथ यहां पर आरएलडी दे रही है और इंडिया गठबंधन अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, यानी एनडीए और इंडिया दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती जुटाने में लगे हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन की एक बैठक पटना में बुलाई गई है, वही पटना जहां पहली बैठक हुई थी गठबंधन की और उस वक्त नीतीश कुमार संयोजक थे, सभी को जोड़ रहे थे। आज वहां पर नीतीश कुमार साथ नहीं हैं, वो एनडीए के साथ बैठे हुए हैं। तो वहीं आरएलडी की अगर बात करें तो कल तक आरएलडी और सपा साथ नजर आते थे। आज जयंत चौधरी प्रधानमंत्री को ना कैसे कहूँ ये कहते सुनाई पड़ते हैं और उसके बाद जेपी नड्डा उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। आरएलडी जो जाटों और किसानों की लिए पार्टी कही जाती है, चौधरी चरण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देश की, उनकी ये पार्टी और उनके पोते जयंत चौधरी जो कि एनडीए का साथ देने का फैसला कर चुके हैं और अब इस बात का औपचारिक ऐलान भी हो गया है, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से यह खबर है जहां पर यादव महाकुंभ में सीएम मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। बीजेपी ने यादवों का समर्थन पाने के लिए यह रणनीति बनाई है। लखनऊ में यादव चला मोहन के साथ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। यूपी में 9% यादव वोटर पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव वोट बैंक है। तो आपको बता दें कि यादव महाकुंभ का आयोजन बीजेपी लखनऊ में कर रही है और इसके लिए बीजेपी के लिए यादवों का समर्थन पाने के लिए मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें लखनऊ बुलाया जा रहा है और लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए हैं यादव चला मोहन के साथ। मोहन यानी कान्हा जो यादवों के आराध्य हैं, पूज्य माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और साथ ही मोहन यानी सीएम मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। इन तमाम पोस्टर्स के जरिए एक तरफ सीएम मोहन यादव का स्वागत हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यादवों के लिए संदेश भी है, वोट बैंक जुटाने की कोशिश भी है।
यादव महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम बनने के बाद से डॉक्टर मोहन यादव कई अन्य कार्यक्रमों में भी इसी तरह से शिरकत करते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए सीधी तैयारी और मोहन यादव को एक यादव चेहरा, बीजेपी का यादव चेहरा बनाकर पेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की कर लेंगे। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आज दिल्ली चलो मार्च पर फैसला लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एक और अहम दिन आज का किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आज का दिन अहम रहने वाला है किसान आंदोलन का, क्योंकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि किसान लगातार डटे हुए हैं बॉर्डर पर। पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और आज दिल्ली चलो मार्च पर फैसला लेने वाले हैं किसान। मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हो, उनसे बातचीत करते हैं। आयुषी, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने ये कहा भी था कि हम 29 फरवरी तक का समय दे रहे हैं, तब तक हमारी समस्याओं के बारे में बातचीत कर ली जाए, मांगे हमारी मान ली जाए, अन्यथा उसके बाद एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च निकाला जाएगा। और इसको लेकर आज फैसला करने का दिन है। क्या लग रहा है, क्या बातचीत सरकार और किसानों के बीच अब तक हुई है, आज किस तरह का फैसला किसानों की तरफ से आ सकता है? आयुषी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली चलो मार्च को लेकर आज किसान फैसला लेने वाले हैं। किसानों ने 29 फरवरी तक का समय दिया था, यह ऐलान किया था कि 29 फरवरी तक का समय है, किसानों की समस्याओं को सुना जाए, उनकी मांगों को माना जाए। और उसके बाद किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली कूच की एक बार फिर तैयारी करेंगे, इसको लेकर फैसला करेंगे। और आज 3 मार्च है, किसानों ने कहा था 3 मार्च को इसके बारे में फैसला किया जाएगा और उसके बाद दिल्ली में महापंचायत बुलाई जाएगी। अब आज किसान फैसला करने वाले हैं दिल्ली चलो अभियान को लेकर। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार और किसानों के बीच किसी तरह की कोई सहमति बन पाती है या एक बार फिर दिल्ली NCR के बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। और जो संघर्ष हमने 13 और 16 फरवरी को देखा, वो संघर्ष एक बार फिर दिल्ली NCR के जो बॉर्डर्स हैं, सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगा किसानों और सुरक्षा बलों के बीच। आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी, हमने देखा पिछले दिनों किस तरह का गतिरोध देखने को मिला, किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बुरी तरह से संघर्ष हो रहा था, आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल किए गए, फायरिंग तक हुई। अब आज एक बार फिर अहम दिन आ गया है क्योंकि आज दिल्ली चलो मार्च को लेकर फैसला करने वाले हैं किसान। अब तक कहाँ तक बातचीत पहुंची है किसानों और सरकार के बीच? जी बिल्कुल नितीशा, लगातार किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें कई ऐसी मांगे हैं जो जिस पर सरकार तैयार रहती है, लेकिन MSP के 23 फसलों पर जो किसानों की मांग है वो अभी तक सरकार की तरफ से उस पर कोई भी नहीं है, लगातार उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से किसान लगातार दिल्ली कूच की मांग कर रहे हैं, दिल्ली चलो मार्च का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की या पुलिस की इतनी अच्छी तैयारी है कि दिल्ली के बॉर्डर में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या किसान इस रणनीति के तहत जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है वो रुक पाएंगे, क्योंकि किसानों ने भी अपना कहीं ना कहीं इसका जो रणनीति है वो बना लिया है। किसानों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो वो दिल्ली जाएंगे और लगभग अभी तक वो जिस तरीके से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, अब वो अपने तरीके को बदलेंगे, नई रणनीति के तहत दिल्ली चलो मार्च का आह्वान करेंगे। और लेकर आज का बेहद महत्वपूर्ण है, किसान के तमाम संगठन आज मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे दिल्ली पहुंचा जाए और कैसे अपनी
केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो किसान आंदोलन जो है मतलब वो चल रहा है। दिल्ली मार्च पर किसान संगठन अपने पत्ते आज खोल सकते हैं, ये बड़ी बात है। और साथ में ही संभू और खनौरी बॉर्डर पर और तेज हो सकता है गतिरोध, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से पिछली बार देखा गया कि एक युवा किसान की मतलब उनकी मौत हो गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस पे और ज्यादा कहीं ना कहीं किसान भड़क गए हैं कि किस तरीके से वो अपनी मांग रखने के लिए सड़क पर आ रहे हैं और गोली लगने की वजह से लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन है वो और तेज हो गया है और आज ये संभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर दोनों पर देखने को मिलेगा। और साथ में एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन आज भी करेंगे और दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी और रणनीति के तहत आज वो निकलेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आयुषी इस तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। और दिल्ली से बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 44 युवा चेहरों को जगह मिली है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया है। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो आपको बता दें, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं और खजुराहो से वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, वो चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर चुनाव लड़ने उतर रही हैं। बात अलवर की करें तो राजस्थान के अलवर से भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल चुनावी ताल ठोकेंगे। किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से चुनाव लड़ने वाले हैं। और वाराणसी से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मौजूदा सांसद हैं वाराणसी के। लखनऊ से राजनाथ सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं गांधीनगर से अमित शाह, देश के गृह मंत्री, चुनाव मैदान में उतरे हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और संभव है कि जिस वक्त तो उन्हें मध्य प्रदेश के सीएम पद की जगह अन्य जिम्मेदारियां दी गई और मोहन यादव को सीएम बनाया गया, तो उसी वक्त उनको ये बताया गया होगा, समझाया गया होगा कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और आगे क्या उन्हें करना है। और ये काफ़ी अहम सीएम शिवराज सिंह के लिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह के लिए, कि विदिशा से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए रुकेंगे कि अहम खबर का, सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा आज है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का आज वो निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आजमगढ़ से ये खबर, बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे और इस दौरान वो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने वाले हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तमाम तैयारियां इस दौरे के लिए कर ली गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमरेंद्र लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, सीएम योगी के आजमगढ़ दौरे के बारे में बताएं, क्या कुछ कार्यक्रम है? एक कार्यक्रम इनका यहाँ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निरीक्षण का है, इसके अलावा और क्या कुछ आज सीएम करने वाले हैं?
लेकिन नीतीश कुमार जैसा कार्यक्रम अभी तक सामने आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का यह संभावित दौरा है। संभावित इसलिए है नीतीश कुमार कि इस समय प्रदेश की राजनीति में बहुत उठापटक चल रही है। एक तरफ जहां पहली सूची जारी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी लगातार चर्चाएं जारी हैं और कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। बावजूद इसके अभी यह दौरा कैंसिल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संभावित दौरा जो है इसमें मुख्यमंत्री जा सकते हैं और अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आजमगढ़ जाते हैं तो आजमगढ़ के जिले में मंदूरी हवाई अड्डा जो बना है वहां से 2 मार्च को उड़ान शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये उड़ान टल गई है। मुख्यमंत्री वहां का आज निरीक्षण करेंगे। ये मंदूरी हवाई अड्डा आजमगढ़ के अंदर मौजूद है, लेकिन इस मंदूरी हवाई अड्डे से कल 2 मार्च को पहली उड़ान शुरू होने को थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये उड़ान रुकी है। मुख्यमंत्री आज यहाँ जा सकते हैं और इसके अलावा जहानागंज क्षेत्र के आजम बांध में महाराज सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का भी निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। नीतीश जी, मुख्यमंत्री इस कार्य का भी निरीक्षण करेंगे अगर वो आजमगढ़ पहुंचते हैं। यहाँ के काफी कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो हवाई अड्डा और विश्वविद्यालय का लोकार्पण कभी भी हो सकता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ का दौरा संभावित है और अगर आजमगढ़ मुख्यमंत्री जाते हैं तो दोनों निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अमरेंद्र। और बीजेपी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी हाईकमान ने बुलंदशहर में तीसरी बार जिम्मेदारी सांसद भोला सिंह पर को दी है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भोला सिंह ने 2,90,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इधर टिकट की घोषणा होते ही जिले में पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। और खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। सांसद गजेंद्र पटेल ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। निश्चित तौर पर ये विश्वास करें कि जब गांव में बिजली नहीं थी, जब गांव में रोड़े नहीं थी, गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ पर सभी चीज़ें अब पहुँचने लग गई हैं और इसलिए खरगोन बड़वानी जो रेल मार्ग से अछूता है, इस क्षेत्र में भी आने वाले 5 सालों में रेल की भी स्वीकृति होगी, रेल भी हमको लाभ भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दें इजाज़त, आप बने रहें TV27 न्यूज़ के साथ।